हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम हियर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक शटडाउन की प्रॉब्लम को विंडोज के अंदर कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आपके जो पीसी है ऑटोमेटिक शटडाउन या रीस्टार्ट होता होगा, यू नो। अब इसके पीछे का सबसे पहले कारण ये बता दूं कि ये होता क्यों है। देखिए, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे में क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर को अपने आप को काम करवाने के लिए पीसी को जो है शटडाउन या रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो अपने खुद को सही काम करवाने के लिए कुछ प्रोग्राम आपके पीसी को जो है शटडाउन कर देते हैं। हमको ऐसे लगता है कि हमारे पीसी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है या हमारा विंडो करप्ट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोग्राम खुद को अपने आप को सेटिंग से काम करवाने के लिए आपका जो पीसी है उसको फोर्सफुली रीस्टार्ट करता है, ताकि वो जो है सेटिंग से काम करे, जो बैकग्राउंड में स्पेस करने लगे वो सेटिंग से उसको मिल पाए। तो अब देखिए, ये जो है इसका कुछ सोल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पीसी वो ऑटोमेटिक शटडाउन हो और हमको वो सॉफ्टवेयर जो ये जो प्रोग्राम है उसका पता नहीं लग रहा है, या फिर हमको जो भी हमारे पीसी में सॉफ्टवेयर है वो सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो लेकिन आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो या शटडाउन हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शटडाउन ब्लॉकर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आप इसको गूगल से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं फाइंड हो रहा है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाइए, ट्रस्टेड लिंक दूंगा जिसमें कोई वायरस नहीं हो, कोशिश ये रहेगी ऐसी लिंक दूं। तो उस सॉफ्टवेयर पे जाइए, उस सॉफ्टवेयर को जो है सीधा डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके जब आप इंस्टॉल करोगे तो जब भी आपकी जो ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका जो पीसी है जो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है या शटडाउन हो रहा है, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज।